तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले मसल ब्रेस के रॉ वे प्रोटीन के बारे में। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मसल ब्रेस के रॉ वे प्रोटीन के बारे में रिव्यू कीजिए, तो आज हम इसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये ओल्ड पैकिंग है मसल ब्रेस के प्रोडक्ट की, तो आपको नई पैकिंग साइड में दिखाई देंगी इसकी पिक्चर। तो चलिए इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें अगर ये 1 kg का है, ये आपको 1200 या 1100 रुपए के आसपास मिल जाएगा। और ये कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन अनफ्लेवर्ड रॉ है, तो आपको ये अभी आइसोलेट भी मिल रहा है, रॉ वे प्रोटीन आइसोलेट मसल ब्रेस का। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप जाके उसको बाय कर सकते हो। 1 kg में आपको 33 सर्विंग आ रही है। इसकी स्कूप की अगर बात करें तो इसका स्कूप 30 ग्राम का स्कूप है, 30 ग्राम का इसका स्कूप आ रहा है। क्योंकि आप इसमें अगर 1 सर्विंग लोगे तो 122 आपको कैलोरीज मिल रही है। और इसमें प्रोटीन की अगर बात करें तो 24 ग्राम इसमें प्रोटीन मिल रहा है आपको। और इसमें कार्बोहाइड्रेट 2.10 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट इतना चलता है, इतना पिक्चर में दिखा दिया है, 2 कार्बोहाइड्रेट इतना चलता है। और इसमें एडिड शुगर वगैरह कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं है। इसमें 24 ग्राम प्रोटीन है, 5.2 ग्राम इसमें BCAA है और 4.2 इसमें ग्लूटामिन है और EAA 11.2 ग्राम इसमें EAA है। इसकी अमीनो एसिड की प्रोफाइल आपको इसकी साइड में दिखाई देंगी, यहाँ से नहीं दिखाएंगे आपको, साइड में इसकी पिक्चर दिखाई देंगी। और गाइस, इसकी अगर इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, नो एडेड फ्लेवर, नो एड शुगर वगैरह इसमें कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं है। और गाइज, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ऐड किया हुआ है, कौन कौन से ब्रांड में आपको नहीं मिलेंगे पर इस ब्रांड में ऐड किया हुआ है। और ये ओल्ड पैकिंग है तो आपको नई पैकिंग में आपको ये बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पॉकेट मिलेगा। तो गाइज, आप इसको जिम के बाद आप इसको आफ्टर वर्कआउट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इन लोगों का बजट नहीं रहता, वो इसको यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। क्योंकि 1100-1200 रुपये में आपको यही अच्छा ब्रांड है और काफ़ी लोग कहते हैं कि ये ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया का। मैं इसके 2 सर्विंग लेता हूँ, मतलब ये तो मैंने अभी यूज़ कर लिया है, पर पहले मैं इसके 2 सर्विंग लेता था, एक मॉर्निंग को लेता था और एक जिम के बाद लेता था। और गाइस, इसके कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, इसको कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। मसल बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो आप मसल बिल्डिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो, फैट लॉस करना चाहते हो तो आप फैट लॉस में भी इसको यूज़ कर सकते हो। और गाइस, जितने भी वे प्रोटीन है, आप अगर वे प्रोटीन ले रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको वाटर के साथ ही लेना है। अगर आप मिल्क के साथ, अगर जिम के बाद अगर आप यूज़ कर रहे हो वे प्रोटीन तो आपको वाटर के साथ ही लेना है। अगर आप मिल्क के साथ लोगे वे प्रोटीन वगैरह तो उसकी जो डाइजेशन है वो बहुत स्लो हो जाएंगी, तो वर्कआउट के बाद अपने को क्विक डाइजेशन वाला प्रोटीन चाहिए, जैसे कि आइसोलेट वगैरह। तो आप आइसोलेट भी बाय कर सकते हो, तो आप वाटर के साथ ही लीजिए वे प्रोटीन वगैरह। मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हो वे प्रोटीन तो आप बनाना शेक वगैरह बना के उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही। सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए। जय हिंद।